हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो बड़ा कमाल होने वाला है क्योंकि भैया WCDMA के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करने वाले हैं। उसके फीचर्स क्या है, उसका काम क्या है, उसका फ्लो क्या है, ये सारी जो रिलेटेड उससे इन्फॉर्मेशन है ये आज हम लोग रिलेटेड टू WCDMA ये आज हम लोग जानेंगे बाई यूजिंग इट्स रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर्किटेक्चर। दोस्तों अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाए समझने के लिए तो चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो या कितना भी इजी हो, एज पर मी व्हाट आई थिंक कि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाती है कि उसके जो आर्किटेक्चर में जो कंपोनेंट्स है उसके थ्रू आपको उस कॉन्सेप्ट का फ्लो समझ में आ जाता है कि भैया वो आखिर है क्या, वो करना क्या चाहता है, वो आपको एक समझ में आ जाता है। वही आज मैं करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अगले कुछ मिनटों तक अपना ध्यान इस बोर्ड पर टिकाए रखिए और मेरी बातों को सुनते रहिए और साथ ही साथ समझते रहिए। तो बेसिकली मैं आज WCDMA को एक्सप्लेन करूंगा बाय यूजिंग इट्स रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स यहाँ पे मेंशनड है, कुछ क्वालिटीज है, कुछ फीचर्स यहाँ पे मेंशनड है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग विद फुल फॉर्म, चलो बेसिकली फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। WCDMA मतलब क्या, बेसिकली इट इज अ वाइड बैंड, रिमेंबर वाइड बैंड कोड डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक है। तो हम लोगों ने CDMA तो देख लिया है, उसको मैंने एक एग्जांपल के साथ एक वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दिया है, वो जरूर देखिए ताकि आपको CDMA के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए। बेसिकली जब आपका एक चैनल होता है और मल्टीपल यूजर्स होते हैं जो कि सेम टाइम पे उस एक चैनल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं मल्टीपल एक्सेस, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल एक्सेस, बहुत सारे यूजर एट द सेम टाइम एक चैनल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कई सारी टेक्निक्स यूज की थी, कहीं टाइम को डिवाइड कर दिया था जैसे कि TDMA में किया था, कहीं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया था दैट इज अ FDMA में किया था, और यहां पे हमने पर्टिकुलरली कोड्स यूज किए थे कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में, ठीक है। लेकिन वाइड बैंड का मतलब क्या है, ये वाइड बैंड क्यों लगाया, बेसिकली वाइड बैंड इज नथिंग बट अ डायरेक्ट स्प्रेड टेक्नोलॉजी या फिर डायरेक्ट स्प्रेड टेक्निक। ये आपकी एक डायरेक्ट स्प्रेड टेक्निक है, मींस व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट समथिंग तो वो जो आपका ट्रांसमिशन है उसको स्प्रेड कर देता है, आपके ट्रांसमिशन को स्प्रेड कर देता है, इट स्प्रेड्स वाइड अबाउट 5 MHz कैरियर या फिर 5 MHz फ्रीक्वेंसी से उसको वाइड कर देता है, दैट इज व्हाट वी बेसिकली एम्स हियर इन WCDMA। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में भी WCDMA के बारे में कुछ पूछा जाता है तो ये फिगर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सिग्निफाइज द WCDMA इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया, WCDMA का फुल फॉर्म वगैरह सब समझ में आ गया। अब इसके आर्किटेक्चर में जाते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आर्किटेक्चर है क्या। अच्छा तो काफी दिख रहा है, टाइम भी काफी लगा है बनाने के लिए, तो इसको समझते हैं ये क्या है। इसके सबसे मेजर एंड इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रिमिटिव कंपोनेंट्स हैं भैया ये नोड बी, जिसे हम लोग कहते हैं ये नोड बी है, और ये आपका यूजर इक्विपमेंट मतलब आपका मोबाइल फोन है, सिंपल ओके। तो ये जो आपका नोड बी है इसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ WCDMA टर्मिनोलॉजी हम इसे लॉजिकल नोड भी कहते हैं। इस नोड बी को जो कि आपका सिंपल मोबाइल टावर है ओके, उसको नोड बी को हम लोग इन टर्म्स ऑफ WCDMA इसे हम लोग लॉजिकल नोड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये उसका एरिया ऑफ रेंज है, इसको आप सेल भी कह सकते हो, और ये आपका है यूजर इक्विपमेंट। तो रिमेंबर ये जो आपको दिख रहा है ये दो एरोस, दीज आर नथिंग बट योर डेडिकेटेड चैनल्स, मतलब इस डेडिकेटेड चैनल के थ्रू ही ये आपका टावर इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये यूजर इक्विपमेंट इस टावर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, दीज आर नथिंग बट द डेडिकेटेड चैनल। और इन डेडिकेटेड चैनल में आपको जो ऊपर जाता हुआ एरो दिख रहा है मींस फ्रॉम यूजर इक्विपमेंट टू द नोड बी इट इज कॉल्ड एज अ अपलिंक, इट इज कॉल्ड एज अ अपलिंक। और जो आपको ये नीचे आता हुआ एरो दिख रहा है दैट इज नोड बी टू यूजर इक्विपमेंट इट इज नथिंग बट अ डाउनलिंक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बेसिकली इस नोड बी या फिर जो लॉजिकल नोड है इसका काम क्या है, ये आर्किटेक्चर में कर क्या रहा है, ये किस तरीके से हेल्प आउट कर रहा है WCDMA को, क्या कर रहा है ये। तो बेसिकली ये उसकी फंक्शनलिटीज है। तो ये जो आपका नोड बी है या लॉजिकल नोड है एक तरीके से यूज होता है फॉर फिजिकल लेयर प्रोसेसिंग, जो भी आपकी फिजिकल लेयर से जुड़ी हुई प्रोसेसिंग होती है, अब वो कौन सी फिजिकल लेयर में प्रोसेस होती है फिर कौन क्या क्या इसको करना पड़ता है फिजिकल लेयर में वो अभी हम देखते हैं। देयर इज एरर करेक्टिंग कोडिंग, मतलब जब भी मैं सेंडर से रिसीवर में कोई डेटा सेंड करता हूं तो कई बार ऐसे हो जाता है कि भैया उसमें एरर्स इंड्यूस हो जाते हैं, नॉइज इंड्यूस हो जाती है, सिग्नल्स थोड़े फ्लक्चुएट हो जाते हैं ओके, लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से कई कई बार वो पहुंच नहीं पाता क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की वो ड्रॉप डाउन हो जाती है और वहीं पे वो रुक जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कहीं ना कहीं एरर्स इंड्यूस हो रहे हैं, ये मेरे कहने का मतलब है। तो वो एरर करेक्टिंग कोडिंग जो है वो काम कौन करता है कि वो जो एरर इंड्यूस हुआ है उसको करेक्ट करना, उसको डिटेक्ट करना, ये जो कोडिंग होती है वो कौन प्रोवाइड करता है एक तरीके से आपका इट कम्स अंडर फिजिकल लेयर प्रोसेसिंग जो कि आपका नोड भी परफॉर्म करता है। मॉड्यूलेशन, कई सारे मॉड्यूलेशन के टेक्निक्स आपको बताऊंगी, GMS के है, PS के है, 8PS के, 64 16PS के, ये सारे के सारे जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है ये भी आपका इंप्लीमेंट कौन करता है इन द फिजिकल लेयर प्रोसेसिंग डन बाय द नोड भी, ठीक है।
हैंडलिंग द ट्रांजेक्शन एंड रिसेप्शन, ये तो मैंने पहले ही बताया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका दिस इज द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, तो ये तो इसका फंक्शन है ही, हैंडल करता है उसको। नाउ एक ही सेल नहीं हो सकता, एक यूजर इक्विपमेंट नहीं होगा, इस पर्टिकुलर रेंज में ऐसे कई सारे यूजर इक्विपमेंट हो सकते हैं और उनके साथ आपको ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, तो ये भैया हैंडलिंग का काम ये बंदा करता है, नोड भी, ठीक है। तो इसके बारे में समझ लिया, अभी थोड़ा सा इससे थोड़ा और ऊपर जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे है, जैसे मैंने बोला रेडियो एक्सेस नेटवर्क है, तो ऑब्वियसली उस रेडियो नेटवर्क का कोई कंट्रोलर तो होना चाहिए, तो वो है भैया आपका आरएनसी। वो क्या है आपका आरएनसी, दिस इज द रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, ओके। और इस रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर के अंडर, या फिर ये किसको कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोलिंग मेनी ऑफ द नोड बीस, बहुत सारे ऐसे नोड भी होंगे जिसको वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक नोड भी है, एक और हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, ऐसे कई सारे नोड भी के कनेक्शन में आपका आरएनसी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आरएनसी हो सकता है, बराबर। नाउ रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आपके दोनों आरएनसीज हैं, जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकते हैं, वो दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो दोनों भी एक दूसरे से हाईली कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो कोऑर्डिनेशन चल पाए कि भैया क्या चल रहा है उस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग इन्हें भी कनेक्टअप करते हैं, आरएनसीज को, ठीक है। ये एक बार कनेक्टअप हो गया, Now these both are connected to the core network. CN is nothing but the core network. बराबर। अब ये core network को connected and from the core network it is getting directed to either the internet या फिर either to the voice network या फिर आप PSTN कह सकते हो, public switch telephone network। तो यहाँ पे भी वो जा सकता है। तो basically इसका idea क्या है? अगर कोई user equipment है, वो internet को access करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? Through the uplink यहाँ पे connect up करेगा to the नोड बी, फिर नोड बी इज कनेक्टेड टू द आरएनसी। अब आरएनसी के पास एक बार वो चला गया, तो आरएनसी क्या करेगा, उसको वो जो भी रिक्वेस्ट है उसको वो एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद उसको भैया वो एनालाइज करेगा कि ये जो रिक्वेस्ट है ये कौन सा यूजर कर रहा है, ओके। तो फिर आरएनसी की ये फंक्शनलिटीज यहाँ पे आती है, बराबर, ये फंक्शनलिटीज। तो आरएनसी क्या करता है कि जो आपका यूजर इक्विपमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो उस रिक्वेस्ट के लिए ऑथेंटिकेटेड भी है या नहीं, बराबर, इस यूजर का रजिस्ट्रेशन इस नेटवर्क में कौन संभालता है, इट इज हैंडल्ड बाय आरएनसी ओनली, ठीक है। आरएनसी की और भी फंक्शनलिटीज है क्या, कि बेसिकली इंचार्ज ऑफ कॉल सेटअप, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इसने रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे किसी को कॉल लगाना है, मतलब एक बंदे ने बोला इसने कि मुझे दूसरे को कॉल लगाना है, तो वो कॉल सेटअप करने का काम कौन लेगा, इट इज इंचार्ज, हु इज इंचार्ज, आरएनसी, आरएनसी इज इंचार्ज ऑफ कॉल सेटअप, ठीक है। तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगी आरएनसी तक और ये कॉल सेटअप करेगा, कैसे कॉल सेटअप करेगा, यहां से रिक्वेस्ट गई नोड बी को, नोड बी से गई आरएनसी तक, इसने उसके रिक्वेस्ट को एनालाइज किया और इसको समझ में आया कि ये किसी को कॉल करना चाहता है, तो वो सीधा कनेक्टअप करता है कोर नेटवर्क के साथ, और कोर नेटवर्क क्या करता है, फिर तय करता है कि एज इट इज व्हाट, इट इज अ वॉइस कॉल सेटअप या फिर कॉलिंग इज अ वॉइस रिलेटेड पार्ट, इट्स अ वॉइस रिलेटेड पार्ट, तो वो वॉइस नेटवर्क को सेंड कर देता है वो रिक्वेस्ट, दैट इज PSTN को सेंड कर देता है। अगर वो डेटा रिलेटेड रिक्वेस्ट है तो वो इंटरनेट को सेंड कर देता है, तो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन द कोर नेटवर्क, बराबर। अगर वो वॉइस रिलेटेड रिक्वेस्ट है तो वो PSTN को चले जाएगा, अगर वो डेटा रिलेटेड रिक्वेस्ट है तो वो इंटरनेट को चले जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका फ्लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सर्विस हैंडलिंग, ऑब्वियसली आपकी जो भी सर्विस आपको दी जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है, अगर क्वालिटी में कुछ कम ज्यादा है तो उसको हैंडल कैसे किया जाए, ये भी वो क्या करता है, आपका आरएनसी मैनेज करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, सी एज इट इज अ रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, तो उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बैंडविड्थ हो, चाहे वो सिग्नलिंग हो, जो भी हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज आपको ये पूरा नेटवर्क चलाने में काम में आते हैं, उन रिसोर्सेज को मैनेज करना। मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर ये एक नोड भी है, बराबर, यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक आ गए, यहाँ पे ज्यादा रिक्वेस्ट आ गए, तो कुछ रिसोर्सेज जो रेडियो रिसोर्सेज है ये आरएनसी क्या कर देगा, इधर डाइवर्ट कर देगा, टू दिस नोड बी इट विल बी डाइवर्टेड एंड बाकियों को थोड़ा सा कम देगा। तो इस तरीके से वो अपने जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करता है, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा है रिक्वेस्ट का, वहां पे वो अपना अटेंशन ज्यादा देता है, रिसोर्सेज थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इस तरीके से वो मैनेज करता है, बराबर। अगर डेटा रिलेटेड रिक्वेस्ट आती तो वो किस तरीके से जाएंगी, आरएनसी तक, फिर उसका कोर नेटवर्क, फिर कोर नेटवर्क क्या डिसाइड करेगा कि भैया अभी उसको पैकेट स्विचिंग करना है। तो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी डेटा रिलेटेड रिक्वेस्ट आती है, इंटरनेट को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आती है, तो हमेशा हम पैकेट स्विचिंग को यूज करते हैं, लेकिन जब भी कॉल लगाने की बात आती है, कॉल सेटअप करने की बात आती है, तो हम लोग सर्किट स्विचिंग को यूज करते हैं, जो कि इस पार्ट में जाता है, दैट इज सर्किट स्विचिंग। तो आई होप दोस्तों मैंने इस आर्किटेक्चर के थ्रू आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, WCDMA रेडियो एक्सेस नेटवर्क आर्किटेक्चर पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, उसकी फंक्शनलिटीज, हर एक कंपोनेंट की फंक्शनलिटीज, वो क्यों है, उसका काम क्या है, वो सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये वीडियो अगर पसंद आ गया होगा, आपके थोड़े काम आ गया होगा, एग्जाम में आपकी थोड़ी सी भी यार 1% भी अगर मदद कर दी होगी, तो मेरी भी मदद कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, एग्जाम आ रही है सबके साथ शेयर कर दो, और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को
जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी मदद आप तक टाइम टू टाइम अपडेट वाइज पहुंचती रहे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।